स्वागत है दोस्तों फिर से हमारे वीडियो सीरीज में। आज हमारे पास है मारुति स्विफ्ट डिज़ायर और ओल्ड वाली 15-16 की मॉडल जो है। इसमें दो लाइट हमारी कंटिन्यूसली ऑन है, चाबी देखें वहाँ काउंटर पे होगा, दो लाइट हमारी कंटिन्यूसली ऑन है और हम काम करेंगे आज रीडर से, और रीडर से इसका प्रोग्रामिंग भी चाबी का हो जाता है दोस्तों। मैंने काम कर लिया है, वीडियो डाला नहीं है, आपको मिलेगा वीडियो। ये अपना छोटा पैक बड़ा धमाका, बहुत काम का चीज़ है ये। जो लोग टिंग कार का जो क्रैक वर्जन लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट है, लाइफ टाइम फ्री अपडेट के साथ। और इसमें हार्डवेयर भी काफ़ी मतलब हाई स्पीड टचिंग इसका काम करता है और वर्किंग भी बहुत बढ़िया है, दिखाऊंगा मैं आपको और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी आपको देता हूँ अभी। जस्ट सारा कुछ परफेक्टली काम करेगा, ऐसा नहीं कि अनफाइंड वाला कोई सिस्टम हो। यहाँ पे देख ले हो आप, ओवीडी लैम्प ऑन है और एबीएस की लाइट दोनों ऑन है हमारा। दोनों को स्कैन करेंगे, कैसे स्कैन करना है थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि रीडर में बहुत से भाई लोग कहते हैं कि हमारा भैया एबीएस स्कैन नहीं हो रहा, इंजन तो स्कैन हो जा रहा है एबीएस स्कैन नहीं हो रहा। चलो स्कैनिंग में जा करते हैं। एशिया मारुति इंडिया, जब पकड़ ऊपर से वायर खाली, तो ये वाला जो है खुल रहा है, फर्स्ट टाइम खुलने में समय लेगा। ओल्ड मीनू में जाएंगे, यहाँ पे हमारा डिज़ायर मिलेगा, डिज़ायर स्विफ्ट डिज़ायर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, डीजल है यहाँ पे हमारा, नहीं सॉरी पेट्रोल है, के सीरीज पेट्रोल है हमारा, यहाँ पे कम्युनिकेशन फेल होगा। डीजल पेट्रोल सारे में बहुत बढ़िया से काम करता है, के सीरीज इंजन है हमारा पेट्रोल, ठीक है। कनेक्ट ले लिया इसने, रीड फॉल्ट कोड, इनटेक एयर टेम्परेचर सर्किट इनपुट हाई, ठीक है ये कोड भी हम क्लियर करेंगे। इनटेक एयर टेम्परेचर सर्किट इनपुट हाई है जो, और ये इसका लोकेशन क्या होता है सेंसर का, और फिर एक एबीएस है जो एबीएस को भी हम फॉल्ट को फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों का काम एक साथ करेंगे। यहाँ पे देखो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है, यहाँ पे कम्युनिकेशन एरर आएगा जो कि प्रॉपर सिलेक्शन है हमारा फिर भी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि बाहर जा करके, ये एबीएस इसका 17 का है ना, तो न्यू मॉडल में आ गया, तो यहाँ पर से हम ऑटोमेटिक सर्च ले लेंगे। न्यू मेनू में इसका एबीएस बहुत अच्छे से कनेक्ट होगा, पार्ट नंबर वगैरह सारा कुछ दे देगा, देखो एबीएस। तो दोस्तों यहाँ पे जापान और अदर का ऑप्शन आ रहा है, तो हम अदर में जाएंगे, टू व्हील ड्राइव। ये इसने सिस्टम आइडेंटिटी कोड और पार्ट नंबर वगैरह सारा कुछ दे दिया, यहाँ पर हम कर लेंगे ओके। रीड फॉल्ट कोड यहाँ पे लिख रहा है, राइट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर और रिकाउंडर सिग्नल परफॉर्मेंस, तो आगे का दायना चक्का है जो उसका सेंसर, उसका परफॉर्मेंस और वायरिंग चेक करना होगा, बैरिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, अभी कह नहीं सकते, ठीक है। तो दोनों आगे का ही मेरा, तो दोनों में हम चेक कर लेंगे। और इसमें जैसे कि ईपीएस है, ईपीएस यहाँ पे है ना गाड़ी में, ईपीएस स्कैन करेंगे, ऑल टू ऑल पार्ट स्कैन होता है, प्रोग्रामिंग भी होता है, कैलिब्रेशन भी होता है, सब कुछ होता है। और कहते हैं लोग कि नहीं होता, डीटीसी नहीं है इसमें, बीसीएम भी इसमें स्कैन होगा, मैं आपको बीसीएम भी दिखाता हूँ, इसका एक्चुएशन टेस्ट भी दिखाता हूँ, जैसे मैं हर स्कैनर में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अदर में जाएंगे, पार्ट नंबर दे दिया इसने, रीड फॉल्ट कोड, यहाँ पे लॉस कम्युनिकेशन विथ हिम ईसीएम वगैरह का, एसी रेगुलेटर सेंसर टेम्परेचर, काफ़ी समय से इसमें स्कैनिंग नहीं हुआ होगा, तो इसमें कोड पेंडिंग में है अभी, डीडीसी कुछ भी नहीं है। एक्चुएशन टेस्ट काम करता है, देखो एक्चुएशन टेस्ट यहाँ पे मैं आपको एक्चुएशन टेस्ट दिखाता हूँ, हजार्ड लाइट का, हजार्ड लाइट दिस वर वर्किंग विद टर्न ऑन हजार्ड वार्निंग लाइट ऑन, ओके, सेट पार्किंग भी अप्लाई, ये सारा कुछ आपको कंडीशन ओके करना है। इसके बाद यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे मीटर में हमारा, देखो आप दिख रहा है, और यहाँ से ऑफ करेंगे मीटर में हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मिनिमम प्राइस है तो काम नहीं करता, काम भी करता है। आपको और दिखा दूँ, डोर में जा करके देखेंगे, लॉक अनलॉक एक्चुएशन टेस्ट लेकर के, देखो लॉक और अनलॉक है ना, यहाँ पे देखो लॉक और अनलॉक, अभी हमारा अनलॉक पोजिशन पे है, तो यहाँ से हम कर देंगे लॉक, देखो लॉक पोजीशन में चला गया, इसको यहाँ पकड़ दो, ऐसे पकड़ो, ठीक है।
अब इसको हम करेंगे अनलॉक, ठीक है। अभी ये लॉक पोजीशन में है, देखो अनलॉक हो गया, फिर करेंगे लॉक, फिर करेंगे अनलॉक, ठीक है। ये परफेक्टली सब काम करता है। जिस किसी भाई को भी चाहिए तो वो हमारे दिए नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर में कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या इसका अपडेट है, क्या फैसिलिटी है, किस किस गाड़ियों में कितना काम करेगा, आप डिटेल ले सकते हो। परचेस करना नहीं करना कोई अलग सी बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। आपका लेवल कौन सा है, किस लेवल का आप काम करते हो, आपके लिए ये टूल सूटेबल है या नहीं है। तो चलो हम अपने काम पे आते हैं, इस काम को करके यहाँ से करंट में अभी दिखा रहा था और फिर हम चेक करेंगे ये करंट स्टेटस चेंज होता है नहीं होता। सबसे पहले इंजन वाला जो लाइट है उसका चेक करेंगे स्टेटस, वायरिंग का। तो इसका जो इंटेक एयर टेम्परेचर लोकेशन है वो यहीं पे है जो अल्टो का होता है, ठीक है। ये वायरिंग इसका, और इसमें बता रहा है कि इसका वायरिंग ओपन सर्किट है। वोल्टेज चेक करो इसका, ये टूटा हुआ है, छोड़ दो। देखो ऊपर से कवर चढ़ा हुआ है इसमें, ठीक है, और अंदर से टूटा हुआ है ये बिल्कुल, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों वायर, इसको हम सोल्डिंग करेंगे सही से यहाँ पे, देख लो है ना, ये डैमेज पीस एक हो गया हमारा और एक फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया। एक फॉल्ट हमारा इधर से है जो ABS सेंसर का हमारा बता रहा है, और इसका हमारा चेक करना होगा वायरिंग। वायरिंग हम चेक कर लेते हैं जिस तरीके से यहाँ पे ये कपलर है ना एक ABS का, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे इसका भी होगा। माउंटिंग के नीचे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो उसको हम सही से देख लेते हैं और उसके बाद ज्वाइंट करके आपको दिखाते हैं फॉल्ट है कहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। दोस्तों जोड़ते हैं इसको और उसके बाद दिखाते हैं दोनों फॉल्ट का क्लियर। तो दोस्तों इसमें सुबह लगे थे हम काम में और बीच में दूसरी गाड़ियों में लग गए। इसका हमने यहाँ पे कपलर जोड़ के वायरिंग को टेपिंग वगैरह करके फिट कर दिया है, और ABS का काम हो रहा था लेकिन लेट हो गया। इस तरीके का हमने खोल के चेक किया, इसका वायरिंग में कुछ इशू है, ठीक है। ले इसका स्क्रू यहाँ पे, लो ये स्क्रू यहाँ पे है ना, तो ये वायरिंग में कुछ इशू है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज प्रॉपर बन नहीं रहा, सेंसर वगैरह सही है। तो मैं आपको उसके बारे में सिर्फ बता पाया, और जब काम आप सही से कर लोगे ना तो वायरिंग सही हो जाता है, फिर आपका चेक लाइट ऑटोमेटिकली जा सकता है। जैसा कि इसमें हमने काम किया था, अभी इग्निशन ऑन किया तो इग्निशन ऑन में कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, फिर स्टार्ट करने पे ये हमारा चला गया, यहाँ तक कि इसमें RPM भी हाई हो गया, मतलब इंजन पूरा ठंडा हो गया है। शाम बज गए, शाम के 6 बजने वाले, सुबह लगे थे काम में, कभी कभी हो जाता है, और इतना रनिंग काम हो गया था कि इस पर ध्यान नहीं गया। खैर ये ज़्यादा दूर की गाड़ी नहीं है, इसको हम फिर कवर कर लेंगे, और इम्पोर्टेंट वीडियो है ABS का और उसका काम करेंगे, तो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।